नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से को ढाई घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही गुस्से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो शदीद गुस्से में थे, गैज़ो गज़ब में थे, इस्तराब और हैजान की कैफियत में उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सर से पांव तक फ्रॉडिया कहा। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको हलफन बता रहा हूँ, खुदा की कसम बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का बहुत बड़ा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। इस दिन चीन और तुर्की दोनों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ख़राब कर दिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान करप्ट है, उसने अपनी करप्शन को छुपाने के लिए NRO 2 दिया, 50 अरब रुपये की करप्शन का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अपने और अपने कैबिनेट मेम्बर्स को उन्होंने बचाने के लिए इमरान खान ने किया। और फिर उसके बाद साथ ही की खबर भी गर्दिश कर रही है कि नैब ने नोटिसेस दे दिए हैं पूरी की पूरी इमरान खान की कैबिनेट को। पूरी कैबिनेट को कैसे नोटिसेस दिए हैं, इसकी कानूनी हैसियत को हम समझेंगे। करप्शन के हवाले से, 50 अरब की करप्शन के हवाले से सबको शरीकदार उसमें बना दिया गया है। गम गुस्से का इजहार किन अल्फाज में, किस टोन एंड मैनर में किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, उसका एक टुकड़ा एक झलकी में आपको दिखा दूं। इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मगर ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया सर से पांव तक फ्रॉडिया ये शख्स। मैं खुदा की कसम खा के आज का आपको कह रही हूं, ये फ्रॉडिया है बिल्कुल, जिसने कौम की किस्मत से खेला, कौम की माश से खेला, कौम के समाज से खेला और कौम की जो उसको कौम को आइसोलेट कर दिया, यानी तन्हाई में ले गया। ये इतनी इंटेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि एक मौके पे जो सहाफी रिपोर्टर्स वहां थे, जब वो शहबाज शरीफ साहब के गमो गुस्से को सुन के मुस्करा रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने ये भी वहां पे कहा कि इस पे हंसने की, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा सीरियस किस्म का अफेयर है। आम तवक्को यही है, जो लोगों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उनको महसूस होता है कि इसका बैकग्राउंड ये है कि चूंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने एक शोशा छोड़ रखा है, उन्होंने धमकी लगा रखी है, उन्होंने एक वार्निंग दी हुई है कि वो बहुत जल्दी इस्लामाबाद का रुख अख्तियार कर सकते हैं दूसरी दफ़ा एक लॉन्ग मार्च में, इसलिए हुकूमत एक इज़्तिराब का शिकार है। हुकूमत कह रही है कि आर्टिकल 245 में अफवाज पाकिस्तान या पैरामिलिट्री फोर्सेज को बुला लिया जाएगा, इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले हर शख्स का NIC चेक किया जाएगा, मेट्रो सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा, इस्लामाबाद के होटल्स को खाली कराने की भी बात हो रही है। ये वो सूरत हाल है जिसमें आज हम अपने इस पूरा इसका एक एनालिसिस करेंगे कि मामला जो है क्या। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे स्टूडियो में थोड़ी देर में असर काजमी साहब, जो एनालिस्ट हैं, बहुत से बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू असर काजमी साहब। मुझे लाहौर से ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट पोलिटिकल एनालिस्ट जनाब सईद काजी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू सईद काजी साहब एज वेल। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगी सना बुच्छा साहिबा, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, एंकर पर्सन, एनालिस्ट हैं, वीडियो लिंक के जरिए मुझे कराची से ज्वाइन करेंगी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं डिस्कशन का आगाज कर सकूँ सईद काजी साहब से, काजी साहब बात से टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि ये एक पूरी कैबिनेट को कैसे नोटिस दे दिया गया, शहबाज शरीफ साहब इतने गम गुस्से इस्तराब और परेशानी में क्यों आज देखे गए। अमूमन उनका स्टाइल ऐसा था नहीं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या प्रेस टॉक तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा किया करती थी, ये हुआ क्या? सईद काजी साहब आपको क्या समझ आ रही है, क्या वजह हुई कि शहबाज शरीफ साहब इतने हैजान में क्यों थे? एक तो देखें बड़े फैक्टर्स हैं, पहली बात तो मैं ये कर दूं कि उन्होंने आधी बात की है, वो भी नाम ले देते जहां वो पैसा पहुंचा था, यकीनन ठीक है, इसमें वो कानूनी चारा जो ही करना चाहते हैं तो करें। मामला और है, मामला ये है कि कल की खबर है कि आपकी तमाम जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है, 50 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये कल की खबर है, ये जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लोग तंग हैं। और अभी मैं भट्टी साहब के साथ शो कर रहा था तो उन्होंने खबर दी कि तकरीबन तमाम एजेंसीज ने ये कहा है कि जो अगर खान साहब कोई मूवमेंट लॉन्च करते हैं तो एक अनप्रेसिडेंटेड एक जो उनको रिस्पांस आएगा, तो ये तमाम परेशान कौन चीजें हैं। बाकी ये जो छोटी मोटी कर रहे हैं, डॉलर कभी ऊंचे, डॉलर वतन अजीज का कोई इसमें ताल्लुक नहीं होता, ये सट्टेबाज ऊपर ले जाते। सही घंटे पहले पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के साथ फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब का एक एग्रीमेंट या वायदा हो गया है, जिसके नतीजे में उनको 19 रुपये कुछ पैसे की पर यूनिट बिजली देने की बात हो गई है। सो एक तरह से कंसेशनल बिजली, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर बिजली कंसेशनल नहीं मिलेगी तो कारखाने बंद करने पड़ेंगे क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो किसी हद तक इसहाक डार साहब ने उस चैलेंज पर काबू पाने की कोशिश की है। सही काल साहब, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं अभी अपने शो से उठ के आया हूं तो शायद मैं ओवरलोड या ये शायद ये खबर अभी अभी आई है, लेकिन मसाइल इतने गंभीर हैं, क्लैप्स इतना बड़ा है, और यहां नहीं है, पूरी दुनिया में है।
और उस क्लैप्स में जो पूरी दुनिया का मामला है वहां फैट यूरोप है, खासी फैट है, उसके उसकी खाल उतरते उतरते टाइम लगेगा। हमारी तो बेयर बोन्स हैं, और हमारा जो मसला, और ये जो 35 रुपए बिजली का यूनिट है, इसीलिए किसान अभी आए थे, और जो इन्होंने अगर ये इनको अनडू नहीं करते, जो कि ये नहीं कर सकते क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं इसके, क्योंकि इनके अपने सिटिंग मिनिस्टर कहा करते थे कि ये बिजली के मुआहदे नहीं है बल्कि डे लाइट राबरी है। मैं कोट करूं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो आजकल वजीर दफा है, और जब इन्होंने ये फरमाया था तब वो वजीर बराए पानी और बिजली थे। तो बात यह है कि बहुत बड़ा क्राइसिस है। ये अलग बात कि खान साहब के पास भी मुझे बड़ा कोई क्लियर वाजे प्लान नजर नहीं आता, क्योंकि इशू स्ट्रक्चरल है। करप्शन तो इस निजाम में ऐसे है जैसे मेरे और आपके जिस्म में खून चलता है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मगर एक काम वो उन्होंने कर दिया है जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूं कि जो पेंट अप एंगर है उसको उन्होंने किसी तरीके से टैप कर लिया है, और जो लोगों के खिलाफ मुसलसल 40-50 साल से बिट्रेल्स हैं उनको जो कुचला गया है, और एक इशराफिया जो तकरीबन UNDP के मुताबिक $17 बिलियन चूसती है साल में इस अवाम का, तो अवाम बेजार हैं, और वो जो है दे आर रेडी टू मूव, खौफ वो है, इसलिए इमरान को डिमोनाइज करते हैं। रात को ख्वाबों में आके इमरान इनको डराता है, और जो है वो खौफ की अलामत इसलिए बन गया है। अब बात यह है वो भाई इमरान को छोड़ो, कोई काम कर दो, कोई यहां पे कीमतें कम कर दो, इमरान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और अब अच्छा अब क्या है, कोई कहता है जी वो कल्ट बन गया है, भाई गुरु रजनेश है वो, मतलब देखे ना ये जो वेस्टर्न लिबरल का तो पल्ले कख नहीं रहा। आई एम सॉरी पाइप पाइपर मेरे साथ नहीं, सही कहा सर, जेनी तौर पर मेरे साथ मजरूह। आपका मौकफ बड़ा अच्छा आया है, मुझे जरा इसमें सना बुच्चा साहिबा को इसमें लाने दीजिए। सना बुच्चा आप कैसे देखती हैं कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो इतने ज्यादा तैश में गम गुस्से में नजर आए, लोग समझते हैं भुखलाए हुए नजर आए, अंडर प्रेशर थे, आप क्या समझती हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोई अंडर प्रेशर है इमरान खान की लॉन्ग मार्च की थ्रेट की वजह से? मेरा ये ख्याल है कि मैं शुरुआत इससे करूंगी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मॉन्क्स थे और वहाँ पे एक बुद्धा स्टैचू था, मॉन्क्स को अपनी टेंपल बदलना था, उनको शिफ्ट होना था, तो बहुत बड़ा एक स्टैचू था बुद्धा का, इट वाज मेड ऑफ क्ले, और उसको मूव करने के लिए जो उन्होंने क्रेन मंगाई वो पता चला कि उसका वजन उस क्रेन से ज्यादा है, तो जाहिर है वो क्रेन दूसरी मंगानी थी, अगले दिन क्रेन ने आना था। तो रात को बुद्धा स्टैचू बाहर पड़ा हुआ है और बारिश शुरू हो गई, उसके बाद उन्होंने उस पर कागज वागज डाले, कपड़ा डाला कि किस तरह से स्टैचू बच जाए। फिर इसी असना में उसका एक हिस्सा निकल आया, और जब उन्होंने सारी चीजों को चिसल किया तो अंदर जो था वो तो खैर एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन यहां पर भी यही मामला है कि ये जो टेक्सटाइल ओनर्स की आप बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं, आप लोगों को बेरोजगार होने की बात कर रहे हैं, ये 6 माह में नहीं हुआ जी, ये 6 माह में नहीं हुआ। दिस इज एन इफेक्ट दैट हैज टेकन 4 ईयर्स। ये एक 4 साल कारकर्दगी है, 15 साल कह दीजिए, 20 साल कह दीजिए, 75 साल कह दीजिए, लेकिन खसूसन ये 4 साल में जो चीजें बद से बदतर हुई हैं उससे पहले भी थी, मैं ये नहीं कह रही कि कोई दूध की नहरें पहले बह रही थी, लेकिन आज जो आप इफेक्ट देख रहे हैं व्हेन यू चिसल द प्रॉब्लम आपको नजर आता है कि अंदर तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपको तो एक ग्लिम्स नजर आई थी कि शायद ये ग्लिमर ऑफ था कि अच्छा यार इतना प्रॉब्लम है, अब आप जब आके बैठते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर भी मामला खराब है, यहां पर भी मामला खराब है। शहबाज शरीफ साहब की फ्रस्ट्रेशन मेरा ख्याल है एक साल पहले सूरत हाल ये थी कि फैसलाबाद का टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ये कह रहा था कि वर्कर मिल नहीं रहे, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो चुकी हुई थी, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ रही थी, फैक्ट्रियां ज्यादा लगानी पड़ रही थी, मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। तो आप कह रही हैं कि 4 साल से हो रहा था, तो एक्सपोर्ट्स में तो इजाफा हो गया $25 बिलियन की, और दो साल पहले फैक्ट्री ओनर्स ने फैसलाबाद की, और 2 साल पहले मैं आप ही का जवाब दे रही हूँ, मोहित पीर का सब जवाब देने दें, 2 साल पहले यही फैसलाबाद के टेक्सटाइल मिल्स ओनर्स थे जिन्होंने जाके अपने दफ्तरों को फैक्ट्रियों को ताला लगा के चाबियां सीएम के आगे फेंकती थी, वो भी आपको याद होगा। तो मतलब कहने का मकसद है फौरी तौर पर एक पॉइंट का रिलीफ मत देखिए और इस पे बिलीव मत कीजिए, बिकॉज थिंग्स आर वेरी वेरी मतलब इस तरह डिसाइड नहीं होती हर, मतलब आपको नहीं याद जब फैक्ट्री ओनर्स ने जाके चाबियां फेंकती थी, आपको नहीं याद जब बिजली नहीं आ रही थी, आपको नहीं याद जब ये पूरा मामला चल रहा था। तो मैं कह रही हूँ कि गुड बैड होता है, मैं ये नहीं कह रही इमरान खान साहब वाज ऑल इवल या शहबाज़
Sharif Saab is some mentor from heaven. He's not. But my point is, let's not make it about Shabazz Sharif. Let's not make it about this government. Inko nahi aana chahiye tha. Inko Imran Khan ko ye leke doobna chahiye tha. Aur Imran Khan doobte, hamari maishat doobti, hame aa jati akal. Ye mera masla hai ki hamari akal aane mein thoda sa aur mazid waqt lagega. Aur is akal ke jo hum pairahe pe ya durahe pe khade hain, yahan par bhi ain mumkin hai ki hame akal abhi tak nahi aayi hai. Kyunki ek hafte ki jo trip hai America mein, wo kya asraat lekar aati hai? Kyunki America ke saath mamlaat ko sambhal le. मेरे साथ रहिए बैरिस्टर अहमद पंसोता खान साहब की लॉन्ग मार्च भी मेरे साथ रहिए बैरिस्टर अहमद पंसोता ने बैरिस्टर अहमद पंसोता मुझे बताया गया हमारे साथ हैं बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया जो सवाल आपसे पूछना हमने वो ये है कि हमें खबर मिल रही है और मसलसल पता चल रहा है कि नैब ने इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सारी कैबिनेट को नोटिस दे दिए हैं जाहिर है कि कुछ हुआ भी है तो पूरी कैबिनेट ने तो नहीं किया होगा इसकी लीगल क्या है ये कोई मुस्तफा इम्पेक्स के इसका सहारा ले रहे हैं कि पूरी कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है अगर इमरान खान ने कोई गलती की कुछ थोड़ा समझाएं हमें कि ये मामला है क्या जी सर थैंक यू आई थिंक ये अपेरेंटली जो नेशनल क्राइम एजेंसी की सेटलमेंट थी इस चीज के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत कैबिनेट ने दी सर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने जांच नोटिस इशू किए हैं उनसे ये लग रहा है कि चूंकि कैबिनेट ने इसकी इजाजत दी और ये गलत इजाजत अब यहाँ पर जो लेटेस्ट ज्यूरिसप्रूडेंस है जिसका आपने जिक्र किया मुस्तफा इम्पेक्स उसके मुताबिक तो जो प्राइम मिनिस्टर जो फेडरल गवर्नमेंट होती है दैट कंप्राइज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट तो कैबिनेट का ज्वाइंट एंड कलेक्टिव डिसीजन होता है कोई भी डिसीजन हो क्योंकि उसके ऊपर सिग्नेटरी होते हैं तमाम वज़ा बट स्टिल सारी कैबिनेट को इस इशू में नोटिस इशू करने का शायद मकसद मुझे लगता है ज्यादा पोलिटिकल हो केस बेशक स्ट्रांग है या नहीं है बट इतने लोगों को जब आप विटनेस बनाएंगे और इतने लोगों को जब आप नोटिस इशू करेंगे तो एज अ क्रिमिनल लॉयर मैं आपको बता सकता हूँ कि उस केस के पल्ले तो रही कुछ नहीं जाएगा इस केस में तो हार्डली जो एविडेंस उन्होंने कलेक्ट करनी होगी वो उनकी कलेक्ट होगी आफ्टर इशूइंग नोटिस टू सो मेनी पीपल तो आई पर्सनली फील इट्स मोर ऑफ अ गिमिक पोलिटिकल गिमिक एट दिस स्टेज जब पोलिटिकल लैंडस्केप बड़ी आप समझ सकते हैं प्रिकेरियस हुई हुई है इलेक्शन आ रहे हैं मामला चल रहे हैं उस टाइम पर आई थिंक इज मोर ऑफ अ विच हंटिंग दैट आई फील हाउएवर इक्वली मैं समझता हूँ उस केस को जरूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस कंक्लूजन पर आती है लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का भी ओवर द लास्ट फ्यू मंथ जो कॉन्डक्ट है वो आपके सामने है उस दिन मुझे मरियम नवाज साहिबा की पिटिशन थी उसमें नैब ने आगे कहा कि हमें एब्सोल्युटली कोई एतराज नहीं है कि पासपोर्ट वापस किया जाए हम बिल्कुल ये नहीं करना चाहते वो नहीं करते तो इस सारी चीज को अगर आप एक होलिस्टिक व्यू उसका लेते हैं तो मुझे लग रहा है इट्स मोर ऑफ अ विच हंटिंग लेकिन अगर सीरियसनेस होती तो जो कंसर्न एक जो गुजरा है ठीक है बुलाया जाता और अगर आपने बुलाए हैं सारे कैबिनेट मेंबर्स फिर आपने इमरान खान तक किस तरह उसमें से निकाल दिया उसके बारे में आप कह रहे हैं कि इनकी स्टेटमेंट की बेसिस पर हम देखेंगे कि खान साहब को बुलाना है कि नहीं बुलाना तो ये आई थिंक इमरान खान साहब को नोटिस नहीं दिया क्विकली बताएं कि जो बेनिफिशियरी एक्चुअली है उस पैसे के उनको नोटिस नहीं दिए वो इसमें शामिल नहीं है नहीं सर बेसिकली आपकी बात दुरुस्त है बट उस डील को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर आप देखें उन्होंने अफकोर्स सबसे पहले तो जो बेनिफिशियरी है उस डील का उसको सबसे पहले बुलाना चाहिए लेकिन ये स्टार्ट ले रहे हैं विद द कैबिनेट मेंबर और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है वो ये है कि वजीर आजम साहब भी उसी कैबिनेट में बैठते हैं ये कैसे हो सकता है कि अगर नैब इस कंक्लूजन पर आ गई है कि तमाम कैबिनेट मेंबर जो हैं वो उसके अंदर शामिल हैं तो वजीर आजम साहब को आपने कैसे निकाल दिया और अगर आपने वजीर आजम साहब को निकाल दिया तो इसका मतलब है कि आपकी मंतक बाकी सब पर मेंबर है उन पर लागू नहीं होती अगला मेरा क्वेश्चन है कि जो बर्तानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए उसने तो अपनी एक जो है सेटलमेंट की है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है तो ये जो पैसे हैं इसका सोर्स क्या है बिकॉज हम सुनते थे कि हसन नवाज साहब ने कोई प्रॉपर्टी बेची क्या ये सोर्स क्या है इस पैसे का ये क्यों इलीगल पैसा है इस पैसे का सोर्स एग्जैक्टली मेरा नहीं ख्याल कि डिटरमिन किया जा सकता है कि इनका आपस में क्या है बट ऑफकोर्स देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू बट इंपॉर्टेंट बात यह कि इट्स सिविल लाइबिलिटी की सेटलमेंट जो कि इधर आके सुप्रीम कोर्ट का बन मैं तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट का फाइन पे किया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया इंटरेस्टिंग ने ऑब्जेक्शन नहीं की तो कल को फिर हमारी जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी इम्प्लीकेट करेगी आपको क्या समझ आता है कि शहबाज शरीफ साहब इतने ज्यादा जो गुस्से में थे वो क्यों थे आज क्या वजह है नहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर वो फील कर रहे हैं किस चीज का खान साहब जो बार बार एहतजाज अभी तो आए नहीं खान साहब अब पर एजेंसियां उनको रिपोर्ट तो दे रही हैं इसी वजह से उन्होंने कंटेनर भी लगाने शुरू कर दिए हैं और यही बौखलाहट तो तारीख भी कोई नहीं आई अभी तारीख तो बेशक नहीं आई पर इनको तो पता है ना कि मेरे लिए मुश्किल होंगी जब भी खान साहब आएंगे इसलिए कि इदारे आपको रिपोर्ट
रिपोर्ट देते हैं, बताते हैं कि इमरान खान तैयार है और वो किसी वक्त भी आ सकता है। अगर वो आएंगे तो इनके लिए मुश्किल पैदा। लेकिन वो क्या करेंगे, मतलब पहले भी आए थे लॉन्ग मार्च करने, वो क्या कोई बिल्डिंग्स पे आके कब्जा कर लेंगे, वो क्या करेंगे लॉन्ग मार्च से जैसे शहबाज शरीफ साहब इतने खौफजदा हैं, तो पब्लिक डिस्प्ले करेंगे लोगों का? एग्जैक्टली, उन्होंने तो आके एहतजाज करना, और वो ये कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज करेंगे, लेकिन इस हुकूमत की अपनी लेजिटिमेसी कितनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये 2014 वाली हुकूमत नहीं है, ये वो निज़ाम है जहां पर राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं। और दूसरी बात, यहां पर देखें शहबाज शरीफ साहब, हम कहते हैं कि इसको शहबाज शरीफ के हवाले से मत बनाएं या ये शहबाज शरीफ साहब का कसूर नहीं है, इन लोगों ने यह हुकूमत गिराई और शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर तकरीर की थी कि 6 महीने में अगर हमने हालात तब्दील नहीं कर दिए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ चेंज कर देना। फिर क्या करना था नाम? वो ये तो उन्होंने नहीं बताया, ये तो आप खुद ही तजवीज कर सकते हैं। आज किसी ने उनसे ये सवाल भी पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। एग्जैक्टली, तो ये है, उन्होंने कहा वो मैंने 2019 में कहा था, उन्होंने कहा उस वक्त के बाद से हालात इकॉनमी के खराब हो गए थे, ये मैंने सुना है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब तो कहे कि मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े होकर मैंने 2019 में ये कहा था, लेकिन मुझे खराब इकॉनमी मिली। तो 2019 में जो उन्होंने बात की थी वो 2022 में अब वो नहीं पूरी, वो नहीं उसको कहते, वो उस वक्त बात खत्म हो गई, उसकी ज़ाहिर टाइम सील थी उसके ऊपर। तो देखिए, मसला ये है कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान अगर डॉक्टर साहब ट्विटर के ऊपर कोई नौजवान आपके खिलाफ ट्वीट भी करे तो आप इमरान खान को जिम्मेदार करार देते थे। अब ये हुकूमत जो कुछ कर रही है, हम कहते हैं जनाब मौशी हालत है, पर ये जिम्मेदार नहीं है भाई। ये बड़े शौक से, बड़े चाह से हुकूमत गिरा के ये लोग आए और ये सारा इनका कलेक्टिव विजडम हमें नजर आ रहा है इस हुकूमत में। तो इनको इतनी जल्दी आप ये नहीं एडवांटेज दे सकते कि इनका कसूर नहीं है और माजी में। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आज के दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के इसमें सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है हमारे सामने, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़िम, वेलकम बैक। अब तक ब्रेक से पहले जो हमें बात समझ आई, ये जो 50 अरब रुपए का मामला है जहां पर पूरी इमरान खान की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की कैबिनेट को नोटिसेस दे दिए गए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो पैसे रिसीव किए, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसको एज अ सिविल मैटर सेटल किया, पाकिस्तान की कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया। अब नोटिसेस पूरी कैबिनेट को तो दे दिए गए, शेख रशीद साहब को अपने लाइन पे भी लिया है, उनसे हम पूछेंगे, उनको भी नोटिस मिला है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नोटिस नहीं मिला, ना सुप्रीम कोर्ट को नोटिस मिला है। शेख रशीद साहब, आपको नोटिस क्या मिला है, आपके ऊपर क्या कंप्लेंट है नैब की? ये पागल है, बेवकूफ है, अकल के अंधे हैं, कजफ है, मैं ज़हनी पस्ती का शिकार है। बेसिक केस तो ये है कि वन हाइट पार्क नवाज शरीफ ने इन्हें बेचा। अच्छा, असल केस है वन हाइट पार्क का अंगूठा रख के या मिन्नत करके या घुटनों को हाथ लगा के या जो मतलब पड़े तो 90 के जाविये से जो लेटते हैं। तो इन्होंने वन हाइट पार्क उनको बेचा। मुझे तो आज लाल हवेली में ये नोटिस दे गए, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं उस दिन था भी या नहीं था, लेकिन अब सारी कैबिनेट को अगर नोटिस दे के ये समझ जाए कि ये सारा मसला इन्होंने जाना है, इनका वक्त मुतय्यन हो चुका है। लेकिन शेख साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान वजीर आजम थे, उनको नोटिस नहीं दिया है। अच्छा, ये भी इनकी बेवकूफियों में शामिल है क्योंकि ये घबराए हुए हैं, ये महसूर कर रहे हैं, ये 25 लाख की आबादी इस्लामाबाद 27 किलोमीटर को किला बंद कर रहे हैं, मार इन्हें इतनी पड़नी है कि दौड़ने की इनको जगह नहीं मिलनी, और खुदा ना खास्ता एक आधी लाश गिर गई तो ये सारे पाकिस्तान में सियासी आग लग जाएगी, इनका बाप भी नहीं संभाल सकता, इनको भागने की भी जगह नहीं मिलेगी, डीलें इनकी मुकम्मल हो गई हैं, इस आगदार आ गया, जाने वाले चले गए हैं, और अब क्या निकालते हैं जी, हमने तो यही जीना मरना है। और पता नहीं किस कैबिनेट की किस कमेटी में किस दिन ये हुआ, मुझे तो ये भी याद नहीं, लेकिन आज ये लाल हवेली में मुझे नोटिस दे गए। ठीक हो गया, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वन हाइट पार्क बेचा था, तो अगर हाइट पार्क इन्होंने बेचा था हसन नवाज ने, फिर तो हसन नवाज को उन्होंने पेमेंट करनी थी ना, या ये तो आप तो उल्टा नहीं हो गए? कल तो इन्होंने हाइट पार्क उसको बेचा जो मुझे याद पड़ता है, लेकिन कल इंशाल्लाह इस पर मैं मालूमात लूंगा, क्योंकि मुझे लाल हवेली में बताया गया कि नोटिस दे गए, हालांकि मुझे देना चाहिए था बिल्डिंग है, वो भी केस लगा दिए इन्होंने मुझसे लाल हवेली खाली कराने के लिए। क्या इमारतों से सियासतें खत्म होती हैं? 3 मरले की लाल हवेली है, कोई जाति उमरा तो नहीं है वो। अच्छा, और अब इन्होंने खाली कराने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, 12 को लगी है कि ये लाल हवेली भी हमसे खाली है, हमारी इमारतों से भी डरते हैं। ठीक है, हमसे तो जो डरते हैं सो डरते हैं, हमारी 3 मरले की, 3 मरले से एक सरसाई ज्यादा या 3 मरले
तो शेख साहब ये लॉन्ग मार्च कब करेगी आपकी पार्टी? मेरा ख्याल है 12 रबीउल अव्वल का इंतजार है, उसके बाद तो हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा ताखीर की गुंजाइश नहीं। तो इस्लामाबाद में अंदर दाखिल होने का प्लान है या इस्लामाबाद के? इस्लामाबाद अंदर से निकलेगा और बाहर भी लोग इस्लामाबाद आएंगे, ये समझते हैं कंटेनर रास्ता रोक लेंगे। 20-25 लाख की आबादी है जी, सब जले भुने बैठे हैं। हमारे शहर में तो अजम है जी, लोग तो कह रहे हैं कि मैंने उस दिन खान साहब को कहा, लोग तो समझते हैं हम बहुत ताखीर होगी, हमने देर कर दी। लेकिन शेख साहब मकसद क्या होगा? मकसद है कि आप अपनी अवामी ताकत, चोरों डाकुओं लुटेरों मनी लॉन्डर नैप से आजादी पाने वाले और इस मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले और इस मुल्क के गरीब लोगों को IMF वर्ल्ड बैंक और अब मैं किस किस का जिक्र करूं, गंदम भी अब आना शुरू हो गई है शुक्र है काबुल से और पेट्रोल भी आना शुरू हो गया, इनमें तो अकल नहीं है। सो मारा तो गरीब क्या है जी, हम तो वैसी बातें कर रहे हैं, ठीक हो गया। जिसका तनख्वाह है जिसकी 35-40-50 हजार 70 हजार 20-22 हजार उसको बिजली का बिल आ रहा है, हम अपने हल्कों में पेशेमान है कि दूध की दुकानें लूट रहे हैं और इंतजार करें जब ये किराने की दुकानें लुटेंगी और इस मुल्क में खाना जंगी का आलम होगा। इस दफा तो अगर इन्होंने जरा सा भी इश्ताल फैलाया तो लोग इतने जले बने हैं कि आपको बहुत जबरदस्त। तो वाकई एक लॉन्ग मार्च। शेख साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि आप नैब के नोटिस को भी एड्रेस करेंगे अपने वकला के साथ। शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान के एक्स इंटीरियर मिनिस्टर, हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनको नोटिस मिला है लेकिन उनको याद भी नहीं है कि वो इस मीटिंग में शामिल थे कि नहीं। मैं सना बुच्चा साहिबा की तरफ आता हूँ। सना बुच्चा साहिबा, ये जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान की, क्या आप समझती हैं कि ये एक सीरियस थ्रेट बन गई है PMLN की हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए, उनके लिए एक प्रेशर है बहुत ज्यादा इसका? मोहित साहब आप मेरे होस्ट हैं, आपका प्रोग्राम है, आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू इस वक्त शेख रशीद साहब ने की है, मेरा ख्याल है आपको उनको स्नब करना चाहिए था, आपको उनको कहना चाहिए था ये बिल्कुल गलत बात वो कह रहे हैं। अगर वो हलफ आइन के हलफ की उन्होंने जो कल हलफ लिया इमरान खान साहब ने आइन किताबे होने का, तो ये गुफ्तगू करना कि आप प्रॉपर्टी को उठा देंगे, ट्रेलर हमें नहीं रोक सकेंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये अग्रेशन बढ़ा रहे हैं इस मुल्क में, आप ये कह रहे हैं कि यू विल कट थ्रू एनीथिंग, सो ये लोगों को नुकसान पहुंचाना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये आपको में नहीं नजर आता कि यू कैन डू दिस? ये गैर आईनी इकदाम के लिए लोगों को पुश कर रहे हैं, आपको कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि फिर आप ये कहिए ना कि आप आईन के खिलाफ जा रहे हैं, आप इस हुकूमत के चोर डाकुओं के खिलाफ नहीं, आप आईन के खिलाफ जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं ये कह दें, मगर आप एज एन एंकर उनको आपको याद दहानी करानी चाहिए। मेरा अंदाजा यह है मोहित साहब कि आपने आईन पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरा ख्याल आप पढ़ लीजिए, ये वाली शिक तो डेफिनेटली पढ़ लीजिए कि व्हाई इज एहतजाज अलाउड एंड हाउ इज इट अलाउड एंड व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट द बाइंड्स व्हाट इट बाइंड्स यू बाय, इट डजंट अलाउ यू टू डिसमेंबर द कंट्री, टू ब्रेक द ट्रीज, टू बर्न ट्रीज, आप उनके ट्रेलर्स को हटा दें, आप नुकसान पहुंचाएं, आप अंदर आ जाएंगे और आप अंदर आके क्या करेंगे? अगर आपके लोग और अवाम ही आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकती तो आप ये 6 माह पहले कर चुके होते, आप 4 माह पहले कर चुके होते, आप 3 माह पहले कर चुके होते, उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब कोई अमेरिका का दौरा कर रहा है, उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब अमेरिका के ऊपर यू टर्न ले गए हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है ये अवाम के सहारे आएंगे? ये कभी अवाम के सहारे आए हैं या इनमें आने की सक्कत है? ये इनकी गलत फहमी है और खुश फहमी है और बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। अभी सईद काजी साहब भी कह रहे थे वो रात को ख्वाबों में डराते हैं, वो तो जी रात की तो जरूरत ही नहीं है, खान साहब तो किसी वक्त भी माशाल्लाह सुबह फजर के वक्त भी डरा सकते हैं, बरकला सकते हैं, धमका सकते हैं, जोहर के टाइम भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कौन सी कदगन है? तो मेरा ये ख्याल है, और अथर काजमी साहब कह रहे थे ये डर गए, खौफ आ रहा है इनको, डर क्या है? डर ये है कि मुल्क का नुकसान ना हो, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज ना हो, अवाम को नुकसान ना पहुंचे, रस्ते ना बंद हो, ये है नुकसान जो इस वक्त हुकूमत सोच रही है। तो शर्म आनी चाहिए लोगों को, तजिया करने वालों को जो ये कहते हैं कि इमरान शहबाज शरीफ बड़े परेशान है कि भाई परेशानी उनको अपने लिए, उनकी जात में क्या फर्क पड़ता है, एक लंदन का टिकट कटा के जा नहीं सकते? आप लोग ये सोचिए, इस मुल्क की अब बात हो रही है और तमाम लोग यहाँ PTI फैंस नहीं है, ठीक है, बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं, माजरत के साथ शहबाज शरीफ साहब अपने लिए नहीं डर रहे, अतर काजमी साहब भी चले गए हैं, अतर काजमी साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे, चूंकि आपने मसला ये डॉक्टर साहब जाहिर है वो रिस्पॉन्ड ही करेंगे, मगर अगर वो रिस्पॉन्ड इस पे ना करें कि मैं खाबे लेती हूँ, अगर इस पे दूर रहे, मैंने तो आज तक कभी किसी को किस तरह डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं खुदा आपने यही तो कहा है, आपने क्लिप निकाल के देखिए, आपने कर रहा हूं कि यहां पे देखें मेजॉरिटी,
मैंने क्या कहा? अच्छा चलें ठीक है, मसला ये डॉक्टर साहब कि यहाँ पे सारे फैन नहीं है पीटीआई के पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे सारे दो खानदानों के गुलाम भी नहीं है। यहाँ पे जहनी गुलाम जो नस्ल दर नस्ल हम दो खानदानों को बचाने के लिए उसको जमहूरियत का नाम देते रहे। शेख रशीद साहब ने जो बातें की उस पर यकीनन एतराज किया जा सकता है, आईन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, लेकिन जब इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पे बैठ के कहे कि जहाँ पे 500 गोले मरवाने थे आंसू गैस के, मैंने अपनी आवाम पे 50 गोले एक्स्ट्रा मरवाए, और फिर वो हंसे, फिर वो कहे कि हमने डंडा तैयार करके रखा हुआ है, तो वहां जब ऐसा माहौल हो कि वो कहें कि इमरान खान के ट्रक के लिए 100 गोला मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जिस मुल्क में वफाकी पुलिस ये ट्वीट करे, ये जमहूरी मुल्क है, कि हमने वो ड्रोन ले लिए हैं जो फजा से आंसू गैस के गोले फेंकेंगे, जो फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल यूज करता है, तो सना पूछा साहिबा मुझे लगता है कि वो स्कैंडिनेविया और नॉर्वे की सियासत के ऊपर तजिया कर रही थी। ये जमीनी हकायक है, जिस किस्म का रवैया हुकूमत का है, ऑपोजिशन का भी वैसा ही अनफॉर्चुनेट है। तशद्दुद पसंद वायलेंट तहरीक है जिस तरह से टीएलपी के बारे में लोग समझते हैं, सही का ऐसा पहला क्वेश्चन मेरा ये कि क्या जिस तरह से सना बुच्चा साहब डिस्क्राइब कर रही हैं, आप भी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ उसी तरह से एक वायलेंट सेक्टेरियन मजहबी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह से टीएलपी और मजहबी जमातें पाकिस्तान की तारीख में रही? मैं दो बातें करूंगा, मुझे टाइम दीजिएगा। बड़ी बड़ी बातें, मैंने बड़ा खुतबा सुना है। मेरे ख्याल में शर्म उन तजिया नगारों को आनी चाहिए जो एक इश्तिहारी को सपोर्ट करते हैं, जो आके हलफ उठाता है अदालत में बाद में जाता है। बिल्कुल सना बुच्चा साहिबा ने ठीक कहा कि ये 6 महीनों में नहीं हुआ, ये 1977 से लिक्विडेशन शुरू हुई है इस मुल्क की मईशत की, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने 100 से ज्यादा यूनिट बेचे, वहां हाउसिंग सोसाइटियां बन गई, ये लिक्विडेटर्स हैं। शर्म उनको आनी चाहिए जो इस मुल्क के आईन का मजाक उड़ाते हैं, कन्विक्शन में होते हैं, और फिर उन्हीं इदारों जिन इदारों की मिली भगत से ये इक्तदार में आते हैं उन्हीं को गालियां देते हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले तजिया निगारों को शर्म आनी चाहिए। मैं इमरान खान को जिंदगी भर वोट नहीं दूंगा, मैं नहीं समझता उसके पास इस मुल्क के मसाइल का हल है, लेकिन इमरान इनके सामने फरिश्ता लगता है जिस तरीके से इन्होंने लिक्विडेट कर दिया इसका, और इन्होंने इंतहाई मैं मेरे 35-40 साल में देखा है इन्होंने इस मुल्क की सियासत और साफ़त को कैसे गंदा किया है, कैसे लिफाफा घुसा है। मैं जंग अखबार में था उस वक्त, मैं जानता हूं ये जो 33 नंबर वैगन से 8 करोड़ की गाड़ी पे ये कैसे पहुंचे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड को अपर वर्ल्ड बना दिया, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, और उनको भी मैं इमरान खान के सामने कह चुका हूं बैठ के 3 दफा कि यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, आप न्यू लिबरल कैपिटलिज्म के तहत कुछ नहीं कर सकते। एक और बात यार, 1977 से तुमने 22 प्रोग्राम लिए इसके आईएमएफ के, और 150 बिलियन का ऑलमोस्ट कर्जा चढ़वाया, इंडिया $560 बिलियन के उसके फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में, शर्म से डूब मरो। इस मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो और फिर इनके असासे देखो, इनके कितने हैं। तो मेरे ख्याल में वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग वर्ड्स के किसको क्या करना चाहिए, एक तहजीब के दायरे में हमें रहना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई या पीपल्स पार्टी के पास इस मुल्क के मसाइल का हल है, या कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो पिसे हुए 70-80% अवाम की, एक बंदा असेंबली में ऐसा नहीं है जो क्लर्क्स को रिप्रेजेंट करता हो, मेहनतकशों को रिप्रेजेंट करता हो, किसानों को रिप्रेजेंट करता हो, सारे का सारा कैप्चर हुआ है और इनके दौर में हुआ है। 77 के मार्शल लॉ के बाद ये सारी वारदात हुई है। इनकी मीडिया में मुझे उन लोगों के नाम आते हैं जिनकी ड्यूटियां लगी थी कि इनके मीडिया में, उनको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये जाली अनपढ़ नालायक हरीस लोगों को, उनकी शख्सियात को तामीर करके हमारे ऊपर मुसल्लत किया और इस मुल्क के अवाम को कुचल के रख दिया। तो इसलिए मेरे ख्याल में बिल्कुल सना बुच्चा ठीक कहती हैं, ये 6 महीनों में नहीं हुआ, और मैं ये भी उनसे एग्री करता हूं
कि अगर इमरान होता तो यही होता, और मैं ये भी उनसे एग्री करता हूं कि अगर ये डेढ़ साल इमरान को मिल जाता तो वो इतना बड़ा झगुआ ना बनता, बन गया है मान लें, और उसको खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि डिलीवर करें। डिलीवर आप कर नहीं सकते, आप अपने बच्चों को ही डिलीवर करेंगे, आपके असासे होंगे दुनिया के हर बड़े दारुल खिलाफा में। तो ये मसला है बहुत, और अवाम, और मैं एक और आखिरी बात खत्म करता हूं, इमरान खान तहरीक बनाए ना बनाए, तहरीक बन रही है, नीचे से आ रही है। ये जो एंगर है जिसको इमरान ने फिलहाल कैश करवाया है, इमरान की तहरीक को कट क्रॉस कर देगी नीचे से, बिजली के बिलों की तहरीक, गुर्बत की तहरीक, सईद काज साहब एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए, एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए। तीन चार दिन पहले पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कराची में एक अवार्ड सेरेमनी से बात करते हुए तकरीब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ 1% रिपब्लिक जिसमें 1% अशराफिया और इलीट ऐसे हैं जहां पर उनको अपनी जिंदगी और अपने इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। 99% पाकिस्तानियों को अपनी जिंदगी को बेहतर करने का या बदलने का मौका पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी पोलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। आज इसी किस्म का एक छोटा सा 1 मिनट 30 सेकंड का वीडियो क्लिप जो है वो जनरल हारून असलम साहब ने ट्विटर के ऊपर रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इलीट है क्या, पाकिस्तान की इलीट टॉप बिजनेस हैं, कॉर्पोरेट हैं, पाकिस्तान की इलीट जो है सीनियर जज साहिबान है, और पाकिस्तान की इलीट जो है सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, और यही पाकिस्तान की तकदीर के तमाम फैसले करते हैं, और अक्सर ये फैसले पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं बल्कि अपने अपने खानदान के इंटरेस्ट में करते हैं। मजीद इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वैसे वेलकम बैक, मैं 7 मिनट हमारे पास है, मैं सीधा सना बुच्चा साहिबा की तरफ चलता हूं। सना साहिबा, ब्रेक में एक साहिब जो गुजरावाला से हैं, मोहम्मद अकमल खान, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बड़ा गुस्से का फोन किया, वो आपसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा यह मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कम अज़ कम आपका मैसेज क्वेश्चन रेज कर दूंगा। वे कह रहे हैं कि आप इन बिलियनर क्लब को, शरीफ और जरदारी खानदान की डिनेस्टीज हैं, ये बिलियनर क्लब है, 40 बरस से इस मुल्क को हुकूमत कर रहे हैं, आप इनको क्यों सपोर्ट कर रही हैं एज अ कमेंटेटर? दूसरा ये कि अगर लोग इनके खिलाफ मुजाहरा करने के लिए इस्लामाबाद आना चाहते हैं और पीसफुल मुजाहरा करना चाहते हैं तो उनको रोकने का कौन सा कानून है जिसके तहत इनको ये हुकूमतें रोक सकती हैं? जी मैं, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं, मैं पहले तो सईद काजी साहब का जो इतना बड़ा खुतबा था उसका जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगी। देखिए मुझे शर्म नहीं आती, मुझे शर्म नहीं आती क्योंकि मैं किसी भी बिजनेसमैन, टाइकून और सियासतदान को सपोर्ट नहीं करती। मैं किसी भी सियासी पार्टी को सही नहीं समझती, मैं किसी को कम सही और किसी को ज्यादा गलत समझ सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। नंबर एक, मैं किसी को डिफेंड नहीं करती माजरत के साथ। हाँ मैं इमरान खान साहब के बात करती हूँ और उनके खिलाफ भी बात करती हूँ क्योंकि उनकी टोन में अग्रेशन है। मुझे शर्म नहीं आती क्योंकि मैंने कभी किसी से आज तक फेवर नहीं लिया। मैंने, उन्होंने मेरी प्रोडक्शन सर्विसेज हायर की हैं, मुझे हायर नहीं किया। माजरत के साथ मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं गोली और गाली दोनों से नहीं डरती। मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि आज तक इस मुल्क में मैंने आज तक टैक्स दिया है। मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मैंने अपनी सहाफत का रास्ता हमवार करने के लिए किसी सियासतदान का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। और मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि 20 साल या 21 साल से जब से मैं सहाफत मेरी एक ही पोजीशन है और आज तक वही मेंटेन किया है। मैं इसीलिए शर्म नहीं करती, मुझे इसीलिए शर्म नहीं आती क्योंकि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। मैं सही को सही और गलत को गलत कहने पर मेरे पास लॉजिक है। अगर मुझे कोई इलॉजिकल कह दे कि आप उनको डिपेंड कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं, इमरान खान साहब की टोन में अग्रेशन है, उनकी नीयत में फितूर है, उनको पता है वो क्या करेंगे, उनको पता है कि फड्डा होगा, उनको पता है कि खून बहेगा, वो ये क्यों कर रहे हैं और वो ये अब क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? प्लीज माजरत के साथ, अगर आपकी आंखों पर रोज टिंटेड इमरान टिंटेड सनग्लासेस हैं तो माजरत के साथ मुझे मत फोर्स करें कि मैं पहनूं। तो बिजनेसमैन साहब जो भी थे, सर आप नाराज होते हैं तो नाराज रहें, आप भी मुझे दो चार गालियां दे दें ट्विटर पर जाके अल्हम्दुलिल्लाह, या मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें, मुझे किसी के साथ जोड़ दें, मुझे किसी की बीवी बना दें, मुझे किसी के गर्लफ्रेंड बना दें, आपका जो दिल चाहे करें, कोई खातून के साथ तो आप यही कर सकते हैं ना। बट सर आई डोंट नहीं समझती कि शरीफ सरदारी बिलियनर क्लब है, डिनेस्टीज हैं, दो खानदान है। We are not discussing Sharif Zardari's billions of rupees right now, sir. माजरत के साथ, भाई माजरत के साथ मैंने इनको भेजा था प्लेटलेट काउंट कम करने पे और मैं इनको वापस लेकर आई हूं, मैंने सरदार को वापस लेकर आई हूं। ये मेरा फैसला था, क्या ये मेरा फैसला है? क्या मैंने इस फैसले पर नहीं है तनकीद की? क्या मैंने सरदार साहब पर तनकीद नहीं की? क्या आपको लगता है जब कानून को तोड़ा गया, इस वक्त कानून का पास रखा किसने है, आईन का पास रखा किसने है, किसके पास है ये हक कि वो किसको ले आए और किसको भेज दे? मेरे पास?
मैं, मेरे पास दो मिनट बाकी रह गए हैं, बहुत क्विकली आपने कहा कि 2014 वाली सूरत हाल नहीं है, क्या आप ये समझते हैं कि ये पांच महीने पहले वाली सूरत हाल भी नहीं है? बिकॉज अभी हुकूमत छह महीने हो चुकी है, ये कमजोर हो चुकी है, इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनको सब इस वक्त इस पोजिशन में नहीं है कि इनको बेल आउट करे, इसलिए इतना खौफ है? अजी एग्जैक्टली यही खौफ है। और दूसरी बात यह कि मुझे शर्म आती है कि पाकिस्तान में 45% बच्चे ऐसे हैं जो गजाई किल्लत का शिकार हैं, पर मुझे इमरान खान की नीयत तो पता चल गई, पर लंदन में जो इनकी अशराफिया की जायदादें हैं उनके ऊपर मेरा जुबान नहीं खुलती है। तो शर्म मुझे आती है कि मैं उस मुल्क में रहता हूं कि जहां पे सिलेक्टिव आउटरेज होती है, मौलाना सब खड़े होके कहते हैं ये तितलियां हैं, इनके गाल इतने नरम हैं, इनकी एड़ियां इतनी नरम हैं, उसके ऊपर फेमिनिज्म का नारा लगाने वाले, किसी को ओए कह दिया जाए तो सबको एकदम से सिलेक्टिव आउटरेज हो जाती है। तो इन सारी चीजों पर मुझे शर्म आती है, बहसियत इंसान भी और बहसियत पाकिस्तानी भी। सईद सईद काजी साहब, खौफ इसलिए है मजबूत नहीं रही है, मैं नहीं है, छह महीने गुजर चुके हैं सईद काजी साहब, और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इसको बेल आउट करने के लिए भी शायद मूव ना कर सके। कम है, बात यह है कि शर्म तो फील करने की बात है, कभी आती है कभी नहीं आती, लेकिन मैं इस बारे में नहीं कहता, ना मैंने किसी को टारगेट किया था, मैंने जवाब दिया था क्योंकि कहा गया था कि उन तजिया कारों को शर्म आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने जवाबन अर्ज किया मैं माफी चाहता हूं अगर किसी का दिल दुखा हो। लेकिन बात वो जो मेरा भाई काजमी कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि हमारी सिलेक्टिव आउटरेज है, हम इमरान खान को भी रगड़ते हैं उसके दौर में भी और आज भी कह रहे हैं, और लेकिन ये हम गुलाम मुलाजम नहीं है किसी के, जिस तरह हम इन दो डायनेस्टीज की, किसको नहीं पता कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हुआ और उसके बदले में ये, मैंने एक दिन पूछा जना इनके इनके खानदान के एक आदमी से जो मेरे टीवी पे आया, मैंने कहा मुझे एक बात का जवाब दें, आपने दो मैचें चलाई, एक खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, आज इतना ही, फिर हमारी मुलाकात होती है आपसे, थैंक यू।